रीइंडक्शन, डेव एलमैन ने इसकी थ्योरी दी। डेव एलमैन ने अपनी लाइफ में 60,000 डॉक्टर्स को ट्रेन करा, बहुत अच्छी अच्छी साइंस थी, उसमें से एक है रीइंडक्शन। डेव एलमैन के पास डॉक्टर जब हिप्नोटाइज करके पहुंचते थे कि तो उनको बताते थे कि एलमैन जब हम किसी को भी हिप्नोटाइज करते हैं तो फर्स्ट टाइम वो उस लेवल पे जा नहीं पाता है जिस लेवल पे वो सजेशंस को फॉलो करे, सेकंड टाइम वो सजेशंस को टच करने लगता है, थर्ड टाइम सजेशंस को फॉलो करने लगता है पर लाइट सजेशंस उस पर फॉलो होती हैं, फोर्थ टाइम वो उससे डीप जाता है और सजेशंस को प्रॉपरली फॉलो करने लगता है। हमें 4 सेशंस 5 सेशंस लेने की जरूरत पड़ती है सजेशंस को फॉलो कराने के लिए, एक व्यक्ति को डीप लेवल में ले जाने के लिए। तो देव एलमैन ने कहा कि अब उनका मंथली सेशन नहीं वीकली सेशन लीजिए। तो देखा गया कि फोर्थ या फिफ्थ वीकली सेशन में भी वो सेम लेवल्स में जाने लगा, डीप लेवल्स में। फिर उन्होंने अल्टरनेट डेज कर दिया, अल्टरनेट डेज करा तो फिर देखा कि फिर फोर्थ और फिफ्थ टाइम पे वो डीप चला जाता है। फिर उन्होंने डेली कर दिया, फिर उन्होंने एक एक दो दो घंटे के डिफरेंस पे कर दिया, फिर उन्होंने एक ही प्रैक्टिकल में बार बार लेवल में ले गए, आंखें खुलवाई, फिर से उसे इंड्यूस करा, फिर से लेवल से बाल लाए, फिर से इंड्यूस करा, फिर से लेवल से बाल लाए, फिर से इंड्यूस करा। तो उन्होंने देखा कि री इंडक्शन के द्वारा बार बार इंडक्शन देने से व्यक्ति बहुत डीप चला जाता है। इसका आप भी यूज कर सकते हैं, किसी भी टेक्निक का यूज करें। आप शॉक यूज कर रहे, एक बार हाथ जग दिया उसे डीप ले गए, ओपन योर आइज, फिर से हाथ खींचा स्लीप, फिर से ओपन योर आइज, फिर से हाथ खींचा, मतलब 3-4 बार आप इंड्यूस कर रहे हैं तो बहुत डीप लेवल पे जा रहे हैं। सेल्फ हिप्नोसिस में हम कर रहे हैं, हम एक लेवल पे गए, आंखें खोली, फिर से कोई टेक्निक लगाई इंड्यूस हुई, फिर से अपनी आंखें खोली, फिर से हम इंड्यूस करें, तो थर्ड और फोर्थ टाइम पे हम बहुत डीप लेवल पे पहुंच जाते हैं। आप मेडिटेशन करते हैं, जो भी प्रैक्टिकल आप यूज करते हैं उसका यूज कीजिए, लेवल पे जाएं, फिर से अपनी आंखें खोलें, फिर से टेक्निक लगाएं, फिर से आंख खोलें, फिर से टेक्निक लगाएं, रीइंडक्शन आपको बहुत डीप लेवल्स पे ले जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, डीपनेस के अंदर मैंने इसको इन्वॉल्व नहीं किया क्योंकि मैं स्पेशली इस टेक्निक को आपको समझाना चाहता था, तो इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट कीजिए। थैंक यू।